इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चटपटा और क्रिस्पी गार्लिक पोटैटो फ्राई मिल जाए तो बारिश का मौसम और भी दुगना हो जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू तरन्नुम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक पोटैटो फ्राई, यानी कि पोटैटो बेवेज बनाने जा रही हूँ। कितना क्रिस्पी देखिए, इतना क्रिस्पी फ्राई हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही चटपटा। आप लोग जरूर ट्राई करिए, एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, आप लोग को बेहद पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो ट्राई करिए और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएँ जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोटैटो बेबीज बनाने की रेसिपी। सबसे पहले आलू ले लीजिए, तो आलू आप एक साइज़ के थोड़े से लंबे वाले आलू ले लीजिए। तो इस तरह से आलू मैंने लिया है और छील लिया है आलू को, और इस तरह से हम इसको कट करेंगे। पहले तो हम बीच में से इसको आलू को कट करेंगे, सेफली कट करिए हाथों को बचाकर। तो यहाँ पे इस तरह से आलू को हम कट कर लेंगे और यहाँ पे बीच में से भी हम कट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे बीच में से कट कर लिया, और इसके बाद हम इस तीसरी बार इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम लेंगे और इसको इस तरह से पीस कर लेंगे। तो इस तरह से आप कट कर लीजिए सभी आलूओं को इस तरह से। मैंने मीडियम साइज़ का आलू लिया है, तो इसे मैंने चार भागों में कट कर लिया है। अगर आपके पास मोटे वाले अगर आलू है, थोड़े से बड़े हैं, तो आप उसे छः पीस में भी कट कर सकते हैं, छः भागों में भी कट कर सकते हैं। अगर आपको मोटा रखना है तो आप मोटा भी काट सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप कट कर सकते हैं आलू को। ज़रूरी नहीं है कि हमें छोटे ही चाहिए आलू या बड़े हैं तो नहीं बन सकते हैं। तो आप जैसा भी आलू है आप बना सकते हैं अपने घरों में फटाफट। मैंने सभी आलू को कट कर लिया है जैसे कि देख रहे हैं। अब इस आलू को हम डाल देंगे, एक बोल में डालेंगे, और ये आलू करीब 250 ग्राम के करीब होगा आलू। आप चाहें तो एक साथ बनाकर आपको रखना चाहें तो आप स्टोर में भी रख सकते हैं, तो इसके लिए मैं आगे टिप बताऊंगी आपको। अब इस बोल में हम डाल देंगे पानी, तो भरकर डाल देंगे पानी इसके अंदर, आलू के अंदर, क्योंकि पानी डालने से जो आलू का स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे पानी में। और चलिए मैंने यहाँ पे पानी को बॉईल कर लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे आलू, और आलू को हम इसके अंदर डालकर रख देंगे इसे करीब 5 या 10 मिनट के लिए। आलू को ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें, 75% के करीब हमें इसे बॉईल करना है, क्योंकि इसे हमें तेल में फ्राई भी करना है। आलू को हम मीडियम हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे, और इसे ढकना नहीं है, इसे हम बिना ढके हुए बॉईल करेंगे, नहीं तो ज़्यादा कुक हो जाएगा। तो लगभग मैंने इसे 7 मिनट के लिए बॉईल किया है। अब इसे हम निकाल लेंगे अच्छे से, तो एक प्लेट में अच्छे से निकाल लीजिए, बड़ा सा प्लेट में, जिसे अच्छे से फैला सके आलू, अच्छे से सूख जाए। जब तक हमारा आलू सूख रहा है तब तक हम इसके लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं, बैटर तैयार करते हैं। एक बोल में हम लेंगे मैदा, मैंने मैदा लिया है 1-2 कप मैदा लिया है, और इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप डालेंगे इसके अंदर हम कॉर्न स्टार्च, यानी कॉर्नफ्लावर डालेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा में भी बना सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ओरिगैनो डाल देंगे 1 टीस्पून, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये 2-3 मसाले हैं, यही बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है हमारा पोटैटो फ्राई में। तो आप लोग जरूर ट्राई करिए, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। इसके बाद पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। तो हल्का सा पानी डालेंगे पहले, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, और इसके बाद हमें ज़रूरत लगे तो इसमें पानी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा पानी और डालेंगे कि बैटर जो है वो सूख रहा है, तो थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे, और बस इसका हम गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो हल्का सा पानी और डालेंगे 2-3 टेबलस्पून के करीब, और बस इसे हल्का सा मिक्स करेंगे, और बस इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बैटर, जैसे कि देख रहे हैं, बैटर रेडी हो गया है हमारा, और बस रेडी है। अब हमारा आलू भी है, वो भी ठंडा हो चुका है। अब आलू को लेंगे, इसके अंदर हम डिप करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि स्टोर करके रखने का तरीका, तो मैं यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, आलू को इस तरह से डिप कर लीजिए, और इसे डिप करने के बाद हल्का सा इसे फ्राई करके आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में। 5 या 10 सेकेंड के लिए आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर लीजिएगा स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से हम एक एक करके आलू को इस तरह से तेल में हम डाल देंगे। तो तेल मैंने गर्म कर लिया है, और तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें फ्राई करते समय, हल्का सा ही गर्म रखना है तेल को हमें, और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, हाई नहीं करना है। तो इस तरह से हम लो फ्लेम पे डिप फ्राई करेंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से। जैसे कि देख रहे हैं, एक साइड में अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गया है, तो हम इसे पलट लेते हैं, और कलर भी देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो इस तरह से पलट लेंगे हम, और बस इसे पलट कर दूसरी साइड भी हम इसे फ्राई होने देते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया है अच्छे से यहाँ फ्राई होते हुए, आलू भी अच्छे से गल चुका है, और क्रिस्पी बहुत ही अच्छा क्रिस्पी भी हो गया है ये। तो अब क्या करेंगे, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप फ्राई कर लीजिए, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये रेडी नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल,
तो इसे हमें और भी कुछ तैयारी करनी है, तो बस इस टाइम पे हमें फ्राई करके निकाल लेना है। बस आप लोग देख ही रहे होंगे कितना अच्छा कलर आया है गार्लिक पोटैटो फ्राई का। तो इस तरह से फ्राई करिए लो फ्लेम पे, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो आपका ये लाल ज़्यादा हो जाएगा और फिर अंदर से जो सॉफ्ट है एकदम वो मज़ा नहीं आएगा, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है पोटैटो। तो इस तरह से फ्लेम पे ध्यान दीजिएगा, आप लो फ्लेम पे ही फ्राई करिए। तो बचा हुआ आलू जो है वो भी हम फ्राई कर लेंगे। अब बस इतने में रेडी नहीं हुआ है हमारा गार्लिक पोटैटो, उसके लिए भी और आगे हमें तैयारी करनी है। वो बोलते हैं ना आगे आगे देखिए होता है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हल्का सा इसे चटपटा बनाएंगे, उसके लिए हमें आगे थोड़ी सी तैयारी करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बचा हुआ जो भी आलू था वो भी हमने फ्राई कर लिया है। अभी हमारा गार्लिक पोटैटो हाफ रेडी हो गया है, यानी कि इसे हमें फुल रेडी करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है पैन, गैस पे डालेंगे। मैंने यहाँ पे लिया पैन में बटर लिया है, तो करीब ये 2 टेबलस्पून बटर है ये, जिसे हम हल्का सा फ्लेम पे लो फ्लेम पे हम इसे मेल्ट कर लेंगे हल्का सा। और मेल्ट करने के बाद इसमें हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे 3-4 हम मैंने यहाँ पे गार्लिक को चॉप कर लिया है, तो गार्लिक को चॉप किया हुआ डाल देंगे इसके अंदर बटर के अंदर। और बस इसे हमें अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है गार्लिक को, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाए बटर के अंदर, क्योंकि सारा फ्लेवर तो इसी गार्लिक का ही है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसे फ्राई करते समय, ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना फ्राई करें, लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करना है अच्छे से, जिसके अच्छे से इसका जो है वो कच्चापन चला जाए और इसका खुशबू बहुत ही अच्छा से आ जाए इसके अंदर बटर के अंदर। और यहाँ पे हल्का सा कलर हो गया है चेंज। अब यहाँ पे इस टाइम पे हमें गैस को कर देना है बंद और बस गैस पे ही रखेंगे हम। इसमें डाल देंगे हम, मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भरकर लिया है, मैंने यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स लिया है, आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, ये भी आपको जितना पसंद है उतना डालें, इसमें भरकर डालें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू, तो बस ये ज़रा सा मसाला डालना है इसके अंदर, बस आलू डाल दीजिए आप एकदम क्रिस्पी आलू इसके अंदर डालिए और बस इसे हम डालकर आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है बस। और गैस का फ्लेम हल्का सा इसे हम इस टाइम पे गैस जलाकर इसे लो फ्लेम पे हल्का सा इसे हम चला के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और बस रेडी है। इस तरह से कर लीजिए आप रेडी, इस तरह से आपका गार्लिक पोटैटो बनकर तैयार है। और इस तरह से आप फ्राई कर लीजिए और गर्मा गर्म आप खाइए इस बारिश के मौसम में, आप लोग मज़ा लीजिए। और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ईजी रेसिपी है। एक बार आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे इस रेसिपी को, ये ऐसी रेसिपी है। तो चलिए एक प्लेट में हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये कितनी क्रिस्पी बनी है तो आप सबने सुन ही लिया होगा कितना क्रिस्पी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, आप लोग बहुत बेहद पसंद आने वाली है ये रेसिपी। और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एंजॉय करिए इस रेसिपी को गर्मा गर्म चाय के साथ, या फिर आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, या फिर आप मेयोनीज के साथ ले सकते हैं, तो किसी के साथ भी लीजिए, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ये रेसिपी। तो ट्राई करिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तो इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।